यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि वो समाज सशक्त होगा और विकास की बुलंदियों को छुएगा जहां नारी का सम्मान होगा। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरे के दूसरे दिन शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर यहां राम कथा पार्क में मिशन महिला सारथी की शुरुआत करने के दौरान ये बातें कही। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 51 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया, जिसमें महिला ही चालक होंगी और परिचालक भी। वहीं परिवहन अधिकारियों के मुताबिक इन बसों में चालक परिचालक महिलाएं हैं। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वास्तव में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और उनका स्वावलंबन ये सदैव से एक चुनौती का विषय रहा है और इसलिए भारतीय समाज ने सदैव से इस विषय को प्रमुखता से आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि वह समाज सशक्त होगा, आत्मनिर्भर होगा, सर्वांगीण होगा, बुलंदियां होंगी जहां पर नारी का सम्मान होगा, नारी को सशक्त बनाना होगा, उनकी गरिमा की रक्षा करनी होगी और वो स्वावलंबी होंगी। मिशन महिला सारथी पर मुख्यमंत्री ने परिवहन निगम की सराहना करते हुए कहा कि जो लोग कहते थे कि महिलाएं अमुक काम नहीं कर सकती, उन्हें राज्य परिवहन निगम ने गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि अब महिला चालक भी हैं, परिचालक भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे महिलाएं स्वावलंबी होंगी, उनका सम्मान होगा। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ छोटी देवी काली मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस बात का ऐलान किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 1.5 लाख से ज्यादा बेटियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और अब परिवहन निगम द्वारा बसों में महिलाओं को चालक और परिचालक के तौर पर रोजगार देकर इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। वाकई ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं और ज्यादा सशक्त होंगी।